أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد. وعلى آله واصحابه اجمعين من تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب محترم حضرات وخواتيم لوك داون ان मुबारक के बाबरक़त सातों में मस्जिद खलीलुल्लाह आर्टिनगर नगर के के जेर इस्लामिक ऑनलाइन बयानात के जो तो सेशन सिलसिला चल रहा है इस सिलसिले की जो कड़ी शुरू हुई है फितना उसके असबाब और उसका इलाज तो कल के दर्स में हमने ये मालूम किया कि फितना किसको कहा जाता है हर वो चीज़ जो हमें अल्लाह की इता तो इबादत अल्लाह के हकूक़ और अल्लाह के बंदों के हकूक़ से दूर कर दें रुकावट डालें या सुस्त काहिल बना दें यह फितना है दीन के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाली हर चीज़ फितना है आज के दरस में हम ये मालूम करेंगे कि फितने की संगीनी किस क़दर है फितना शरीयत की निगाह में कितना ख़तरनाक है अंदोहनाक है और शरीयत ने इस फितने के ताल्लुक से क्या तालीम दी है अभी मैंने आपके सामने खुदबा मसौना के बाद शरा अनफ़ाल शरा नंबर आठ और आयत नंबर पच्चीस पढ़ी है अल्लाह ताला ने इस आयत में फ़रमाया व फितना तुम बचो परहेज़ करो डरो उस फितने से ल तुसी बन लदीना दौलामो मिनकुम खास जो फितना सिर्फ़ तुम में से ज़ालिमों को ही नहीं आ लगेगा उस फितने से बचो परहेज़ करो डरो जो फितना सिर्फ तुम में से जालिमों को ही अपने लपेट में नहीं लेगा बल्कि इस फितने में दूसरे सारे के सारे लोग गैर ालिम बुरे अच्छे मुतकी परिजगार बदकार फाजिर, फासिक निकोकार अतकिया सुलाहा, सब लोग मुबला हो जाएंगे ला ती बन दिन अला खासा शदीत और इस बात को भी जान लो कि अल्लाह तख्त सजा देने वाला है यानी जो लोग फितने में मुबला हो जाएंगे उनको अल्लाह तबरक सख्त सजा से दो चार करेगा लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि फितने से बचे अल्लाह तला ने इस आयत में ये फरमाया व तक वो फितना फितने से बचो परहेज करो तो गया कि अल्लाह ने फितने की संगीनी को बयान किया खतरनाकी को बयान किया इसकी अंदोहनाकी को बयान किया कि ये फितना बड़ा खतरनाक है बड़ा अंदोहनाक है बड़ा पुरफितन है बड़ा संगीन है लिहाजा तुम इस फितने से बचो परहेज करो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में ये फरमाया सही मुस्लिम की हदीस है

जाहिरी और बातिनी दोनों तरह के फितने से अल्लाह की पना तलब करो अल्लाह की हिफाजत मांगो अल्लाह की प्रोटेक्शन तलब करो अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ फितनों से जाहिरी, बातिनी हर तरह के फितने से अल्लाह की पना मांगो अल्लाह की पना चाहो अल्लाह की पना तलब करो तो सबक राम ने कहा नफन मा दो हम तेर तु ते तुझ से पना चाहते हैं तेरी पनाह तलब करते हैं जाहिरी और बातनी फितनों से अल्लाह ताला हम तेरी पनाह में आते हैं अल्लाह तो हमें पना दे सोचे कि फितने की संगीनी किस कदर है अल्लाह ने फरमाया इत को फितना फितनों से बचो

फितने से पना मांगने की तालीम दी है हर नमाज के तशाहुद में यानी सलाम फेरने से पहले कहा कि देखो चार पांच चीजों से अल्लाह की पना मांगो अल्लाह की पना तलब करो उनमें से क्या है अजाब जहन्नम से पना अजाब कबर से पना और इसी तरह से फितना तिल मसीह दज्जाल, दज्जाल के फितने से पना मांगो और फितना तिल महिया मिया वमातः ती और मौत के फितने से पना चाहता हूँ इसी तरह से गुना का फितना कर्ज का फितना मुख्तलफ तरह के फितनों का यहाँ पर जिक्र किया और खुलासे के तौर पर बयान किया मिन मिनफनमह वमात जिंदगी और मौत का फितना क्या मालूम हुआ जिंदगी फितना है आगे हम मालूम करेंगे जिंदगी में कदम कदम पे फितना है आज का ये पुरफितन दौर में जिंदगी के कदम कदम पे फितना है घर में बाहर हर जगह पर गली गली का ये किस्सा हो बन चुका है फितना 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 और हर दिन का नया फितना होता है जिंदगी और मौत के फितने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के तशव में गोया के सारी चीज़ों से सारी चीज़ों के फितनों से पनाह मांगने की तालीम और ताक़ फरमाई है हजरात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने की संगीनी को किस कदर अंदाज में बयान किया है आप सोचें तिर्मिजी के सही रिवायत है उम्मतुल मोमिनीन में से उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि एक रात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से परेशान होके उठे استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه محمرا وجهه اپ کا چہرہ لال پیلا تھا اپ پریشان اور حیران ہو کے نیند سے جاگے وہ يقول اور بار بار لا اله الا الله لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب من شر قد اقترب अरब की बर्बादी बहुत करीब आ चुकी है ऐसे शर और ऐसे फितने से जो बहुत करीब आ चुका है मिन तरब। आप वसल्लम बड़े परेशान और घबरा के कहा फतेहा फतिहा उमिन यादि आपने हल्का बनाकर दिखाया हल्का बनाकर दिखाया कहा कि देखो आपने दस अशरे का हल्का बनाकर दिखाया याजूज और माजूज का जो डैम है जो दीवार है जो सद है रद में है गोया के उसमें से इन लोगों ने सुराग बनाने में कामयाब होके इतना सा सुराग डाल लिया है और से सी बात ही ये बड़ा फितना होगा याजूज और माजूज का फितना बड़ा फितना होगा दज्जाल का फितना बड़ा फितना होगा इन फितनों के बारे में हम आगे मालूम करेंगे इंशाअल्लाह मुस्तान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने की संगीनी को किस अंदाज में बयान किया कि आप खुद आपका चेहरा लाल हुआ और आपने बहुत ही खतरनाक अंदाज में बयान फरमाया तो उस मौके पर

फितने और फसाद का काम फितना जब बहुत ज्यादा हो जाए तो उस वक्त याद रखो कि फितने में अच्छे लोग भी मुबतला हो जाएंगे और अल्लाह के अजाब में ये भी मुबतला हो जाएंगे हजरा फितने की संगीनी को आप समझें कि प्यार नबी ने फितने के ताल्लुक से क्या बयान किया अल्लाह अकबर मौत से मौत की तमन्ना करने की शरीय में इजाजत नहीं है ला तमन्ना उल मौत कहा कि मौत की तमन्ना हर किस्मत करो मौत की तमन्ना करना मौत मांगना शरीयत की निगाह में जायज नहीं है मौत मांगना शरीयत की निगाह में जायज नहीं है लेकिन अगर फितने का अंदेशा हो फितने में मुबतला होने का अंदेशा हो तो नबी ने मौत मांगी है और नबी ने उसके लिए दुआ सिखाई है अल्लाह अकबर बहुत प्यारी दुआ है मुसद अहमद और तिमिजी की सही रिवायत है अल्लाहरात अल्लाह तला में तुझसे भलाई के काम मांगता हूँ व तरकल मुनकर हर तरह की बुराई को छोड़ने को की तोफ़ी मांगता हूँ वह हब्बल मसाकिन मिसकिनों की मोहब्बत मांगता हूँ क्या मोहब्बत मांग रहा है मिसकिनों की मोहब्बत हम कभी मांगे हैं नफरत करते हैं नबी मिसकिनों की मोहब्बत मांग रहे हैं तू मुझे माफ कर मुझ पर रहम फरमा उसके बाद यहाँ गौर करे वही फितना जब तू किसी कौम के साथ फितने का इरादा कर लें वही दरत फित कौमिन तू मुझे वफात दे दे फितने में मुबतला किए बगैर फितने में मैं अल्लाह अल्लाह ताला तू मुझे वफाद दे दे यहाँ नबी मौत मांग रहे हैं फितने से बचने के लिए फितने की संगीनी को समझे मौत की तमन्ना करना शरीयत में हराम है जायज नहीं है इल्ला के बहुत ही संगीन हालत हो तो बीमारी से बहुत परेशान हाल है तो उस वक्त नबी ने फरमाया किस तरह दुआ करो अल्लाह ताला तू मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक मेरी जिंदगी ली मेरे लिए खैर हो और उस वक्त मुझे मौत दे दे जब मेरे लिए वफात खैर हो यहां पर नबी ने फितने से बचने के लिए कहा कि अल्लाह तारत ता फितना था कौम जब किसी कौम के साथ फितने का इरादा कर ले फतवा फनी तो मुझे फितने में मुबतला किए बगैर गैर मफतून फितने में मुबतला किए बगैर अल्लाह ताला तुम मुझे वफा दे दे अल्लाह अकबर और कंप्लीट दुआ आगे इस तरह से हैं वो का हब्बक अल्लाह तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ वब्बा मा मै हब्बक और तुझसे जो मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत चाहता हूँ वह हब्ब अमल हुब्बक और ऐसे अमल की तोफ़ी और मोहब्बत मांगता हूँ जो तेरी मोहब्बत से करीब कर दें बेहतरीन दुआ मेरे भाइयों तो इस दुआ में देखिए प्यारा नबी अलैहि वसल्लम मौत मांग रहे हैं जबकि मौत मांगना जायज नहीं लेकिन फितने में मुबतला होने का अंदेशा हो फितना इतना खतरनाक है फितने की संगीनी इतनी खतरनाक है कि फितने में मुबतला होने से अल्लाह के रसुल वफात मांग रहे हैं सुबह अल्लाह खल कही अल्लाह तला हिफाजत फरमाए हजरात क्यों फितने से पहले फितने से बचने से पहले मौत मांगी जा रही है क्यों इस बात को आप समझेंगे तो बात वाजह हो जाएगी क़यामत के करीब बैर नबी वसल् ने पेशन गोई फरमाई कि किब क़यामत, क़यामत के करीब हालात इतने खतरनाक होंगे इतना पुरफितन दौर और जमाना होगा फितना इस कदर ज्यादा हो जाएगा कि एक आदमी नेक साले इंसान के पास से गुजरेगा कब्रिस्तान से गुजरते हुए कबर के पास से गुजरते हुए वह मौत की तमन्ना कर बैठेगा कहेगा कि काश इस कबर में मैं होता इस कबर में आज मैं होता क्योंकि आज के जो फितने हैं फितने से मैं बच जाता और इस कबर में होता यानी मैं इससे पहले मर गया होता हजरात याद रखें आज का जमाना कुछ ऐसे ही बनते जा रहा है बाज हालात में लोग ऐसे हैं आप देख रहे हैं सुन रहे हैं आज अल्लाह हिफाजत फरमाए कि कोरोना वायरस में जो लोग मुबतला है उनमें से बाज अभी शहर बंगलोर का ही कल का वाकया है कि विक्टोरिया हॉस्पिटल से एक आदमी कूद के खुदकुशी कर लिया खुदकुशी कर लिया परेशान याद रखो ये फितना है बहुत बड़ा फितना है आज कितने लोग भूख से खुदकुशी कर रहे हैं आज कितने लोग ऐसे हैं जो तमन्ना कर रहे हैं मौत की तमन्ना करते हुए कबर के पास जाते हुए कि जो लोग कबर में हैं वो आफियत में हैं जो कबर में गए आफियत में हैं आज देखो हुकूमतों कैसे फितने हैं औलाद कैसे फितने हैं और जो लोग हाकिम बने हुए उनके ऐसे जुलम सितम है आए दिन ऐसे ऐसे कवानीन है लोग फितने में परेशान है और सोच रहे हैं कि जो लोग इससे पहले वफा पा चुके हैं वो बच गए वो बच गए है कि नहीं हर आदमी ये सोच रहा है देखो ये जमाना ये फितने की संगीनी है फितना इसको कहा जाता है इसीलिए कुरान में ने दो जगह पर फरमाया सुरा बकारा कि आयत नंबर एक सौ इक्यानबे और दो सौ सत्रह में फरमाया अल फित 191 में फरमाया अल फितना तो अशद मिन कतल फितना कतल से बढ़के हैं फितना कतल से बढ़के हैं और आयत नंबर 217 में फरमाया अल फितना तो अकबर मिन कतल फितना कतल से बड़ा है अल्लाह अकबर कतल कर दिया कोई चला गया मर गया ये रोजाना की मौत से वो बेहतर है क्योंकि फितने में जो मुब्तला है रोजाना पल-पल मरता है और मौत मौत से मौत का इंतजार खतरनाक होता है याद रखे मेरे भाइयों इसलिए शरीयत ने यह कहा फितने से बचो को फितना फितने से पना मांगो और इस फितने के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़ी तफसील के साथ हदीसों में बयान किया है आपने दज्जाल का फितना सुबह से शाम तक समझाया आपने कई फितनों के बारे में गाए-बगाए, इशारतन, सरातन किनायतन बयान फरमाया आगे हम लोग मालूम करेंगे ताकि अपनी उम्मती को आप महफूज रख सकें आपने पेशन गोई फरमाई ये देखो इसका ये फितना इसका ये फितना ऐसे बचो ऐसे बचो आपने सारी तफसीलात सुनाई हजरात आज के दर्स का खुलासा ये हुआ आज हमने ये मालूम किया कि फितना किस कदर संगीन है किस कदर ख़तरनाक है और शरीयत की निगाह में फितना किस कदर खतरनाक कि फितने में मुबला होने से मौत बेहतर कहा और नबी ने खुद उसकी तमन्ना की दुआ की तव्फ़नी अल्लाह ताला जब तू किसी कौम के साथ फ़ितने का इरादा कर वही फितनत कौमिन व तोफ़नी गैर मफतून फितने में मुबला किए बग़ैर मुझे वफात दे दे अल्लाह ने फरमाया अत फितना फितने से बचो परहेज करो क्योंकि फितना बड़ा खतरनाक है हर नमाज के तशाहुद में फितने से पनाह मांगी जाती है फितना बहुत खतरनाक है इसीलिए हमने इस टॉपिक का इंतखा किया कि फितने की ख़तरनाकी को हम समझें और उससे पना मांगें उससे बचें और दूर रहें और अपने ईमान और दीन की हिफाजत फरमाएँ दोब्लमी से अल्लाह तबरक ताला हमें और आपको फितने से महफूज रखें आमीन सुबह अस्त फिर का तुबल् नबी महमद